नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। शारदीय नवरात्र चल रहा है और आज महाअष्टमी है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में जगह जगह पर घूम रहे हैं, माँ दुर्गा का आशीर्वाद ले रहे हैं और बिहार के लोगों के सलामती के लिए, खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। हम तमाम तस्वीरें इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं। शाम होते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकल पड़े पटना के तमाम पूजा पंडालों में माँ दुर्गा के दर्शन करने। आपको पता है आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। अगर हम पूरे बिहार की बात करें, हर पूजा पंडाल में लोग उमड़े हुए हैं, माँ भगवती के एक दर्शन पाना चाहते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी निकले हैं। तस्वीर देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे पहले खाजपुरा पहुँचे हैं, जहाँ पर उन्होंने माँ भगवती को पुष्प अर्पित किया है, चुनरी चढ़ाया है। आज सुबह में भी वह अगम कुआं स्थित माँ शीतला मंदिर पहुँचे थे, जहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। दुर्गा पूजा समिति शेखपुरा भी वो पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने माँ दुर्गा की आराधना की है। वहाँ भी उन्हें चुनरी भेंट करके सम्मानित किया गया है। खाजपुरा भी वो गए हैं, जहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, आपको पता है कोरोना के वक्त से ही वो ये कह रहे थे कि मास्क लगाना ज़रूरी है, और आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ वो पूजा पंडाल में गए हैं उन्होंने मास्क लगा रखा है। माँ दुर्गा की आरती की है, आरती करते हुए की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ ये कहा है कि हम तो हर साल आते हैं और लोगों की खुशहाली के लिए हम माँ दुर्गा से आशीर्वाद मांगते हैं, सभी खुश रहें। पूरे बिहार वासियों को नवरात्रि की बधाई भी दी है। क्या कुछ वो कह रहे थे, ज़रा सुनिए। इस बार तो एक बार सब चीज़ रुक गया था, इस बार फिर सब जगह हम लोगों ने इसको अलाउ किया है और सब जगह बहुत अच्छे ढंग से लोग कर रहे हैं और हम लोगों को भी आकर के बहुत भीतर से खुशी होती है। आज के दिन आप सब लोगों को मेरी शुभकामनाएं। तो आपने सुना तमाम वो तस्वीरें, एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकल पड़े हैं पटना की सड़कों पर, तमाम पूजा पंडालों में वो घूम रहे हैं, आरती कर रहे हैं। चाहे हम गर्दनी बाग की तस्वीर आपको अब दिखा रहे हों, रामकृष्ण मिशन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हों। सुबह में भी वह मारूफगंज, पटना सिटी स्थित मारूफगंज श्री बड़ी देवी जी के दर्शन करने गए थे। वहाँ से जब वो लौटे तो देर शाम को वह पटना के पूजा पंडालों में घूमने लगे। लोगों से अपील भी की जा रही है कि आप मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि कोरोना का जो कहर है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। नीतीश कुमार आरती कर रहे हैं, साथ में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी मौजूद हैं। उन सभी की मौजूदगी में पूजा पाठ का जो माहौल है, आप अभी अगर अपने घर से बाहर निकलेंगे, बिहार में कहीं भी आप रहते हों, तो आप वहाँ देखेंगे कैसे हर तरफ मंत्रोच्चारण आपको सुनाई देंगे और कितना अच्छा माहौल हो गया है। लगभग 2 सालों के बाद जब दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया है कोरोना के कहर को देखते हुए, वर्ष 2020 में दुर्गा पूजा काफ़ी सादगी के साथ मनाया गया था, लेकिन इस साल बड़े बड़े पंडाल बनाए गए हैं, मूर्तियां स्थापित की गई हैं माँ दुर्गा की। तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी राज्यवासियों की सलामती के लिए, उनकी खुशहाली के लिए प्रार्थना करने मंदिर मंदिर जा रहे हैं, हर पूजा पंडाल में जा रहे हैं, तैयारियां देख रहे हैं सब जगह की, सड़कों पर व्यवस्था ठीक है नहीं है, उन तमाम चीज़ों का वो जायजा ले रहे हैं और सब कुछ ठीक रहे ऐसा निर्देश भी पहले से अधिकारियों को दिया गया है। तमाम वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे आरती कर रहे हैं वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे होंगे। हर जगह की चुनरी चढ़ा रहे हैं, माँ भगवती को पुष्प चढ़ा रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी चुनरी ओढ़ाकर कई जगहों पर सम्मानित किया गया है। इन तमाम तस्वीरों को हम दिखा भी रहे हैं। नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है वो भी हमने आपको सुनाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। पूरे पटना में नीतीश कुमार घूम घूम कर पूजा पंडालों में देख रहे थे कैसी व्यवस्था की गई है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि आप मास्क जरूर लगाएं, कोरोना का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।